हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ हम सभी मित्रगण अच्छे होंगे। दरअसल दोस्तों, इसराइल और फिलिस्तीन युद्ध के बीच में अमेरिका के सीनियर अफसरों की 9 अक्टूबर के दिन एक बड़ी मीटिंग हुई और दोस्तों इस मीटिंग के दौरान जो फैसले हुए वो काफी ज्यादा चौंका देने वाले थे, क्योंकि दोस्तों इस मीटिंग के होने के बाद साफ साफ पता चलता है कि इसराइल के पास मौजूदा समय में हथियारों की भारी कमी है, जिसका एकमात्र उदाहरण ये भी है दोस्तों कि इसराइल के सबसे ज्यादा रिलायबल एयर डिफेंस सिस्टम माने जाने वाले आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम में यूज होने वाली जो इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं और इसके अलावा दोस्तों दूरी तक सटीक हमला करने वाली मिसाइलों की भी भारी कमी है और लंबी दूरी तक मार करने वाली सटीक हमला करने वाली मिसाइलों की भी काफी ज्यादा जरूरत है इसराइल को। हालांकि दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसराइल अपनी पूरी क्षमता के साथ हथियारों का निर्माण कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी केवल 48 घंटे ही हुए थे कि अमेरिका ने हथियारों की खेप भेज दी। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हथियारों की स्टॉक के मामले में इसराइल की स्थिति क्या है। लेकिन दोस्तों इस घटना को एक बारी के लिए नॉर्मल घटना समझा जा सकता है, लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इसराइल के पास गोला बारूद भी कम पड़ गया, जिससे कि दोस्तों इस बात का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसराइल के पास गोला बारूद और हथियारों की भारी कमी है। लेकिन दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि इसराइल का गोला बारूद और हथियार गए कहां? आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हमास का हमला इसराइल के ऊपर होने से पहले अमेरिका के कहने पे इसराइल ने 13 लाख की संख्या में तोप के गोले यूक्रेन को भेजे। यहां तक कि दोस्तों इसराइल के अंदर अमेरिका के हथियारों का गोदाम तक मौजूद है। लेकिन दोस्तों रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए इसराइल में मौजूद अपने हथियारों के गोदाम तक को पूरी तरीके से खाली कर दिया। यही कारण है दोस्तों अमेरिका की इस तरीके की नीतियों की वजह से इसराइल आज खुद संकट में आ गया है। यदि दोस्तों हमास की तरफ से हजारों की संख्या में वापस से सस्ते रॉकेटों से हमला किया जाता है तो ऐसी कठिन स्थिति में दोस्तों इसराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो की दुनिया का सबसे रिलायबल और बेहतर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोस्तों मौजूदा समय में अपने एरिया को कवर करने के लिए इसराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को भी हजारों की संख्या में इंटरसेप्टर मिसाइलों की आवश्यकता है। और यदि दोस्तों मौजूदा समय में बात की जाए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों की, तो दोस्तों यूरोपियन देशों के पास भी यूक्रेन और रशिया के युद्ध के चलते हथियारों का भारी संकट है। ऐसे में दोस्तों यदि फिलिस्तीन और इसराइल का युद्ध लंबा चलता है तो स्थितियां काफी ज्यादा नाजुक हो सकती है। यही कारण है कि अमेरिका के बड़े बड़े ऑफिसर्स इसराइल की चिंताओं को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप सभी मित्रगणों के क्या विचार, कमेंट्स कर अपने वैल्युएबल विचार जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।